अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर भी ज़रूर कर दें। कैलेंडर को हम बेसिक से जानेंगे, तो चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक कैलेंडर। कैलेंडर स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कैलेंडर है ये किसने बनाया है। आप सभी को पता है रोम के निवासी, कहाँ के निवासी, ग्रेगरी, ये कैलेंडर बनाया था पोप ग्रेगरी, इन्होंने ये कैलेंडर बनाया था। और जो कैलेंडर बनाया था इनका जो नाम रखा था, कैलेंडर जो बनाया इसका नाम रखा था वो क्या नाम था, ग्रेगरियन कैलेंडर था, उसका नाम था ग्रेगरियन कैलेंडर। और इन्होंने जो प्रथम जो दिन रखा था वो क्या रखा था, सोमवार। जो प्रथम दिन था वो कौन सा रखा गया था, सोमवार का दिन रखा गया था। ठीक है, अब इसमें दो तरह के कैलेंडर बनाए थे, कौन कौन से, एक तो साधारण वर्ष वाला कैलेंडर और दूसरा लीप वर्ष वाला कैलेंडर। ठीक है, साधारण वर्ष वाले कैलेंडर में क्या था, इसमें 665 दिन रखे गए थे, और जो लीप वर्ष वाला कैलेंडर था इसमें 666 दिन रखे गए थे। 365 जिसमें साधारण वर्ष होता है उसमें जो फरवरी होती है वो 28 की फरवरी होती है, और जिसमें 366 दिन है यानी लीप वर्ष जो कहलाता है उसमें 29 की फरवरी होती है। ठीक है, इस बात का आपको पता भी है। अभी एक जो दिन बड़ा था वो कैसे बड़ा था उसको हम आपको बता देते हैं। जब 365, तो इसमें 365 दिन और 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड निकल कर आ रहे थे। तो इन्होंने जब कैलकुलेशन की, कैलकुलेट जब इन्होंने किया तो इन्हें जो नज़र आ रहा था लगभग 24 घंटे यानी कि 4 वर्ष में, 4 वर्ष में 24 घंटे का अंतर नज़र आ रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि 24 घंटे का पूरा एक दिन बना दिया, और वो जो दिन बना था वो किस में रखा गया, 366 वाले दिन में ऐड कर दिया। में जब एक दिन और ऐड हो जाता है 4 वर्ष बाद तो हो जाता है 366। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन हुई कि ये जो 24 दिन का ये जो पूरा दिन था वो कौन से माह में ऐड करना चाहिए, तो इन्होंने फरवरी में इसको ऐड कर दिया और यहाँ पर 29 की फरवरी शुरू होने लगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना भाई। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे की, आगे पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। 1949 को कौन सा दिन था, इस तरह का क्वेश्चन। तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें कुछ कोड याद करने होंगे, और कोड बहुत इजी है, कोड याद करना बहुत ही इजी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन निकालने के लिए या तो हमें क्या करना होता है, माह तक जाना पड़ता है, 24 पहले तो हमें 24 जनवरी तक जाना पड़ेगा, फिर फरवरी तक, फिर मार्च तक, इसी तरह से मुझे नवंबर तक जाना पड़ेगा निकालने के लिए कि आज का दिन क्या होगा या 1949 का दिन क्या होगा। तो शॉर्ट तरीके से कोड याद कर लेने हैं और डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व
कर सकते हैं। कोड कैसे याद करना है, देखिए मैं बात करता हूँ सबसे पहले साधारण वर्ष के। मैं कोड कैसे याद करना है, साधारण वर्ष के जनवरी से लगाकर दिसंबर के जो कोड है वो है 144, 025, 036 और 140। ये हमारे साधारण वर्ष के जनवरी से दिसंबर तक के माह के कोड हैं। ठीक है, कोड याद करना बहुत इजी है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा यहाँ पर कि ये किसी ना किसी के वर्ग नज़र आ रहे हैं। 144 है वो किसका वर्ग है, वैसे तो 12 का वर्ग है, और ये 05 का वर्ग है, और ये 06 का वर्ग है। ठीक है, और उसके बाद जो 146 है इसको हम कह देते हैं 12 का वर्ग +2। ये भी किसका वर्ग है, 12 का वर्ग है और प्लस में 2 ऐड हो रहे हैं। ठीक है, अब इसको याद करना बहुत इजी हो गया। आपके हाथों में चार उंगलियां हो, एक अंगूठा भी होता है। ठीक है, चार उंगलियों में आपको हर एक उंगली में तीन तीन पोरे से नज़र आते हैं, तो इस पर आपको क्या मानना है, 12 का वर्ग मानना है, और इस पर 12 का वर्ग +2 मान लेना है, और इस पर 0.5 का वर्ग मानना है, और इस पर 0.6 का वर्ग मान लेना है, और ये आसान तरीके से तुम याद कर सकते हो। तो पहला पॉइंट क्या था इसमें, साधारण वर्ष में माह के कोड याद करना। भाई जनवरी की बात करें तो एक कोड, फरवरी का 4, मार्च का भी 4, अप्रैल का 0, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, अगर मैं बात करूँ अगस्त का कोड क्या है, तो अगस्त का कोड निकालने के लिए फटाफट जनवरी से दिसंबर तक की गिनती शुरू। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो अगस्त का कोड क्या आ गया हमारे पास, 3। अगस्त का कोड क्या आ गया, 3। अब मैं फरवरी की बात करूँ तो फरवरी का कोड क्या आ गया, 4। तो फरवरी का कोड क्या आ गया, 4। इसी तरह से फटाफट से इसको याद कर सकते हैं। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। ये तो थे साधारण वर्ष में। अब साधारण वर्ष में कुछ और पॉइंट होते हैं, उसको भी हमें याद करना होगा। ठीक है भाई, याद करने के आपको तरीके मैंने बता ही दिए हैं। आपको याद करने हैं, किसी भी तरह करके आपको याद ये करने होंगे, क्योंकि अगर आपके याद है तो क्वेश्चन आप बहुत आराम से सोल्व कर सकते हैं। ये थे हमारे माह के कोड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माह के कोड। यहाँ पर हमें याद करना है और शताब्दी कोड, 300 का भी और 400 का भी हमें याद कर लेना है। अब 100 का कोड 4 है, 200 का कोड 2 है, और 300 कोड 0, और 400 या 0 इसका कोड क्या रहेगा, 6 रहेगा। ठीक है, अब ये कोड कैसे निकल कर आ रहे हैं उसको हम देख लेते हैं। देखिए जैसे कि 2021 है, इसमें से हमें 3 पॉइंट निकालने हैं। ठीक है, 3 पॉइंट कैसे निकालने हैं, सबसे पहले तो हमें बाद के 2 अंक लिख लेने हैं, फिर बाद के अंक को 4 से भाग करना है, 4 पंजे 20, यानी कि 5 बार इसमें लीप वर्ष आ चुके हैं। उसके बाद बचा मेरे पास 2000। अब जब 2000 बचा तो मुझे इसको भाग करना है 400 से, 400 पंजे 2000, अब कितना बचा, 0। अब 0 का कोड क्या लेना है, 6 लेना है। तो इस तरह से शताब्दी कोड यहाँ पर लेना होगा। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अब जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने का कुछ भी नहीं लगता है, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री रहता है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब बात कर लेते हैं हम दिनों के कोड।
दिनों के कोण। अब दिनों के कोण को याद करने के लिए हमें क्या करना है? एक पर होता है हमारा रविवार, दो पर होता है हमारा सोमवार, तीन पर मंगल, चार पर, फिर पांच पर, फिर छह पर और फिर सात पर या जीरो पर क्या रहेगा? शनिवार। एक से लगाकर सात तक हमें दिनों के कोड भी याद होने हैं। अगर कहीं पर दो शेष बचा तो आंसर क्या आएगा? सोमवार। अगर कहीं पर शेष चार बचा तो क्या आने वाला है यहाँ पर? बुधवार। यही आंसर होगा। ठीक है, तो आपको क्या क्या याद करना है? आपको एक तो साधारण वर्ष के कोड यानी कि माह के कोड, उसके बाद शताब्दी कोड और यहाँ पर दिनों के कोड याद करने हैं। ठीक है, ये तो होगी साधारण वर्ष। अब साधारण वर्ष के कुछ क्वेश्चन हम आगे देखेंगे भी। अब मैं थोड़ा सा लीप वर्ष के बारे में बता देता हूँ कि लीप वर्ष में और साधारण वर्ष में क्या अंतर है। ठीक है, चलिए, ये तो था साधारण वर्ष का। अब बात कर लेते हैं लीप वर्ष की। अब लीप वर्ष में आपने देखा था, वो साधारण वर्ष में आपने देखा था, यहाँ पर 144 था, यहाँ पर 025 था, यहाँ पर 036 था और यहाँ पर 146 था। ये साधारण वर्ष के। अब लीप वर्ष की अगर बात करूँ तो इसमें से एक कम करा जीरो, इसमें से भी एक कम करा कितना? तीन, और बाकी कर देना है सेम। ये हो गया हमारे लीप वर्ष के को। ये फिर जनवरी है और ये यहाँ पर दिसंबर है, यानी कि जनवरी से दिसंबर तक के कोड यहाँ पर आपको याद कर लेने हैं। फिर वही शताब्दी कोड आपका सेम सेम रहना है और दिनों के कोड भी आपके यहाँ पर सेम सेम रहना है। ठीक है, अब करते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस क्वेश्चनों पर। ठीक है, अब प्रैक्टिस कैसे करनी है वो देखते हैं। जो आपने याद किया है उसे हम अब क्वेश्चन में कैसे रिवीजन करेंगे, अब क्वेश्चन में कैसे ये ट्रिक लगानी है। तो लेते हैं हम पहला क्वेश्चन, जो दिन होगा कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन है इस तरह से। अब निकालने के लिए क्या करना है? सबसे पहले हमें 10 तारीख लिख लेनी है, उसके बाद जनवरी, मैंने अभी कोड जो बताए हैं तो उसका कोड लेना है जनवरी। जनवरी का कोड क्या है? एक। अब उसके बाद एक चीज़ और नोट करनी है यहाँ पर, ये जो 48 है, अब ये मैंने आपको बताया जनवरी और फरवरी का जो कोड होता है वो चेंज होता है, यानी कि होता है, तो 48 है। अब 48 के यानी बाद के दो अंकों को चार से भाग करके देखना है कि ये साधारण वर्ष है या फिर लीप वर्ष है। तो मैंने जब चार से भाग करा तो ये कौन सा वर्ष हो गया? अब लीप वर्ष हो गया। कौन सा वर्ष? लीप वर्ष। तो अब जनवरी का कोड एक नहीं लेना है, अब कोड क्या लेना है? जीरो कोड लेना है। ठीक है, क्योंकि जनवरी का कोड एक माइनस हो चुका। अब उसके बाद यहाँ पर मेरे पास बच रहा है 1948। अब इसको तीन भागों में बांटना है। तीन भागों में कैसे? सबसे पहले तो बाद के अंक लिखने हैं। ठीक है, फिर बाद के अंक को चार से भाग करके जो भागफल है वो लिखना है। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो यानी कि 12 बार वो लिखना है, 12। अब उसके बाद 48 तक तो कहानी ख़त्म हो चुकी है, अब मेरे पास बचा 1900। अब 1900 जब बचा तो मुझे करना है इसको 400 से भाग, 400 चौका 1600। अब शेष कितना बचा मेरे पास? 300। अब 300 शेष बचा तो मैंने अभी बताया था कि 300 और 400 का कोड क्या क्या रहने वाला है, तो 300 कोड क्या आता है? जीरो। वो यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब मुझे यहाँ पर प्लस में क्या करना था? बाद के दो अंक, बाद के दो अंकों को चार से भाग और भागफल कितना? 12।
फिर मुझे क्या करना है, 1900 कोड क्या लेना है, 0 लेने के बाद अब मुझे क्या करना है, पूरे को 7 से भाग करना है, या तो इन सभी को प्लस कर लो, अगर प्लस नहीं कर पा रहे हैं तो सभी को 7 से भाग कर दो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 7 से सभी को भाग कर देता हूँ, 7 एकम 7 कितने बचे, 3, 7 छन 42 यहाँ पर बचे 6, अब 7 एकम 7 यहाँ पर कितने बचे, 5, अब 5 और 3 8 कितना बचा, 1, 6 और 1 7 ये भी पूरा का पूरा कट गया, तो क्या बचा मेरे पास, 0। अब जब 0 बचा, 0 का कोड क्या रहने वाला है, मैंने अभी बताया था क्या रहने वाला है, शनिवार, यही क्या आ गया इसका राइट आंसर आ चुका, शनिवार, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं, उसमें आपको शायद अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, जैसे कि 16 मई 2021 को कौन सा दिन था, क्वेश्चन है ये। अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे लिख लेना है तारीख, उसके बाद मई का कोड, अब मई का कोड मैंने बता ही दिया था, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ठीक है। अब मई का कोड क्या होगा, 0025 में क्या आता है, 2, यानी 2 कोड होगा मई का। अब मुझे पता है कि बाद के 2 अंक लेने हैं, बाद के 2 अंक को 4 से भाग करना है, 4 पंजे 20, अब उसके बाद बचा मेरे पास 2000, अब जब 2000 बचा तो मुझे इसको क्या करना है, 400 से भाग करना है, अब 400 पंजे 2000 कितना बचा, 0, और 0 का कोड मैंने बताया था क्या होगा, 6 होगा, और पूरे को कर देना है 7 से भाग, 7 21 पूरा कट गया, और 7 दूनी 14 कितना बचा, 2, 5 और 2 पूरा कट चुका, 6 और 2 8, 7 से गया कितना बचा, 1, अब 1 बचा, अब जब 1 शेष बचा तो 1 पर क्या रहने वाला है, रवि, वाह यही क्या आ गया मेरा करेक्ट आंसर आ चुका, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ चुका होगा, अब अच्छे से समझ में आ चुका है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, अब और लाइक भी साथ में करते रहा करें, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने अच्छे से आपको करा दिए हैं, बाकी जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। चलिए रखते हैं आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।